नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ RPSC फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बारे में। RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो है उसका क्या स्कीम ऑफ एग्जाम है, बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और हमें सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स लाने चाहिए और अब तैयारी कैसे करनी चाहिए, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। RPSC फर्स्ट मैं मेरे चैनल में जो है बेसिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ और RPSC फर्स्ट ग्रेड में केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या सिलेबस रहता है और आपको सिलेक्शन कैसे करवाना है, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। चलिए देखते हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। बेसिकली जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता है उसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब की बार का जो पेपर 1 है, एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। अब की बार का जो पेपर 1 है वो हमारा 3 ग्रुप्स में, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C में डिवाइडेड है। मतलब ग्रुप ए में जो कैंडिडेट आएंगे उनका पेपर होगा 15 जनवरी को एंड ग्रुप बी में जो कैंडिडेट आएंगे उनका पेपर होगा 16 जनवरी को एंड ग्रुप सी में जो कैंडिडेट आएंगे उनका पेपर होगा, पेपर ए जो होगा पेपर 1 ग्रुप सी में जो कैंडिडेट आएंगे उनका पेपर होगा 20 जनवरी को। तो ग्रुप ए का होगा 15 जनवरी, ग्रुप बी का 16 जनवरी और ग्रुप सी का 20 जनवरी, ठीक है। और पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है, हमारे सब्जेक्ट का आता है, जैसे कि मैं केमिस्ट्री की तैयारी करवाती हूँ तो जो केमिस्ट्री का पेपर होगा सब्जेक्ट का पेपर 2 वो आपका होगा 22 जनवरी। 22 जनवरी को किसका है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, तो 22 जनवरी को होगा केमिस्ट्री का पेपर। अब जो पेपर 1 होता है उसमें हमारे आते हैं टोटल 75 क्वेश्चन और ये होते हैं हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो टोटल 150 नंबर का हमारा पेपर 1 होता है। एंड पेपर 1 में 150 नंबर का होता है और पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। जो पेपर 2 होता है उसमें हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं, ये 300 मार्क्स का होता है। जो पेपर 1 होता है वो 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1.5 आवर का पेपर होता है। एंड जो पेपर 2 हमारी सब्जेक्ट का होता है वो 3 आवर्स का पेपर होता है। इसमें हमसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 300 मार्क्स का पेपर होगा और ये 150 जो क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे एंड 30 क्वेश्चन जो होंगे वो पैडागोजी के आएंगे। पैडागोजी और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे टीचिंग में यूज होता है उस चीज के आते हैं 30 क्वेश्चन। तो बेसिकली 150 में से 120 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर 1 होता है ये कॉमन होता है सभी के लिए, तो पेपर 1 में जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, हिंदी, इंग्लिश में आएंगे। वो मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगी कि पेपर 1 में क्या आता है और पेपर 2 में क्या आता है। तो बेसिकली अभी आपको ये समझने वाली बात है इस में कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भूल मत जाइएगा और हाँ ये बहुत कंपलसरी है पेपर 1 को देना और पेपर 2 का। सेकंड थिंग, और बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि हमें दोनों एग्जाम में पास होना जरूरी है, नहीं, आपको टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है वो देखे जाते हैं कि आपके एग्रीगेट मार्क कितने आए हैं, आपको सेपरेटली पेपर 1 में पास होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहती है। जो पेपर 1 होता है उसका क्या सिलेबस रहता है, उसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें से आते हैं आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब कि जो मैथमेटिक होती है, करंट मैथमेटिक होती है और रीजनिंग होती है, स्टेटिस्टिक्स एंड हिंदी इंग्लिश, इसमें से आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। कुल मिला के इस 20 क्वेश्चन में आप देखें तो मतलब रीजनिंग के आपको आएंगे 5 क्वेश्चन, मैथ के आएंगे आपको 5 क्वेश्चन एंड हिंदी के आएंगे आपको 5 क्वेश्चन एंड इंग्लिश के आएंगे आपको 5 क्वेश्चन। तो ये ऐसे 5-5 करके आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के आते हैं 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान के आएंगे आपको 15 क्वेश्चन, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके आएंगे आपको 15 क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है। अब हमारे एग्जाम को देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कुल मिला के 20 दिन रह चुके हैं और जीके के जनरल जो पेपर होगा उसके तो 15 दिन ही रह गए हैं। तो मैं आपको अब ये गाइड करूंगी कि आप पेपर 1 की तैयारी बहुत ज्यादा डीपली या जाके ना करें और ना ही इसके लिए परेशान हो, क्योंकि
क्यों ना परेशान हो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि पेपर वन में हमें क्या आता है तो और कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने घंटे का पेपर होता है। तो 1.5 घंटे का पेपर होता है और 75 क्वेश्चन आते हैं और आपको इसकी तैयारी मतलब आप ऊपर ऊपर से आपको कुछ मिलता है तो आप पढ़िए, लेकिन इस पेपर के लिए आप इतना परेशान मत होइए कि यार इस पेपर में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब हम बढ़ते हैं पेपर टू जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है और हमें यहीं से ही हमारे मार्क्स लेकर आने हैं और यहीं हमें हमारा सिलेक्शन पक्का करना है। जो पेपर टू होता है वो होता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड का पेपर, उसमें हमारा आता है जो सब्जेक्ट है। जैसे मैं केमिस्ट्री की तैयारी करवाती हूँ तो इसमें हमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आएगा, तो 12th लेवल के आते हैं हमें 55 क्वेश्चन, ग्रेजुएशन लेवल की जो केमिस्ट्री आती है उसमें से आते हैं 55 क्वेश्चन एंड पीजी लेवल की जो केमिस्ट्री आती है उसमें से आते हैं 10 क्वेश्चन। टोटल हो गए ये आपके 120, 55 110 प्लस 10 तो ये हो गए टोटल 120 क्वेश्चन। और जो फिर उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी यूज ऑफ कंप्यूटर इसके आते हैं हमें 30 क्वेश्चन, ठीक है। आप एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी इसकी भी तैयारी मत करिए अब, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह गया है। हाँ, आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं देखने को तो आप वो कर लीजिए प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप वास्ट में जाके मत पढ़िए क्योंकि आप उससे खुद पे एक बर्डन ले लेंगे और आपका जो प्लस पॉइंट है दैट इज योर सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें आप उसकी तरफ आपको अब ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये पेडागोजी या पेपर वन पढ़ेंगे तो अब आपके ऊपर एक बर्डन आ जाएगी और आप खुद के ऊपर एक टेंशन बिल्ड कर लेंगे, उसके कारण आप ढंग से अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। अभी सिर्फ आप सिर्फ इतना ध्यान अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट करिए, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहती है और ये 3 घंटे का पेपर होगा और ये हमारा पेपर है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का आपका पेपर है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का 22 जनवरी को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस क्या है हमारा केमिस्ट्री का, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे केमिस्ट्री की तैयारी करवाती हूँ तो मैं आपसे अब केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा वो डिस्कस कर रही हूँ। केमिस्ट्री का जो 12th लेवल का है उसमें हमारे चैप्टर आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ट्रांजिशन एलिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं मेरी मतलब वीडियोस में करा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स करा चुकी हूँ, लैंथेनाइड एक्टिनाइड आता है वो करवा चुकी हूँ, केमिकल काइनेटिक्स करवा चुकी हूँ, सॉल्यूशन मैंने नहीं करवाया है, थर्मोडायनेमिक्स नहीं करवाया है, एल्केन एल्कीन करवा चुकी हूँ, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिसिटी एंड एरीन करा चुकी हूँ, बायोमोलिक्यूल्स। इसके अलावा पार्ट टू जो बीएससी का होता है उसमें आता है केमिकल बॉन्डिंग, वो मैं करा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस करा चुकी हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड करवा चुकी हूँ, केमिकल डायनेमिक्स करवा चुकी हूँ एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा चुकी हूँ। अब आएगा एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, कॉन्फर्मेशन एंड कॉन्फिग्रेशन करा चुकी हूँ, नेमिंग रिएक्शन करवानी है अभी मुझे, हेलो नाइट्रो एमिनो एरीन एंड डायजोनियम साल्ट एंड पॉलीमर एंड ड्रग्स। फिर पार्ट थ्री, ये पता है क्या होता है मोस्टली बच्चे ये वाला पार्ट छोड़ जाते हैं, पार्ट वन एंड पार्ट टू हर कोई करके चला जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी आरपीएससी के कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं किसी ना किसी बच्चे को या स्कूल्स में, तो उनकी पार्ट वन एंड पार्ट टू बहुत अच्छा तैयार होता है, लेकिन ये पार्ट थ्री जिसमें से हमें कि 10 क्वेश्चन आने हैं यहाँ मात खा जाते हैं। देखिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते, ये आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं, तो इसलिए इसको पार्ट थ्री को आप पढ़िए बजाय के हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ राजस्थान या पेपर वन की तैयारी करने और पेडागोजी को पढ़ने के अतिरिक्त। मैं आपको ये गाइड करूंगी कि आप केमिस्ट्री की ये पार्ट करिए, इन पार्ट्स की मैं वीडियो आपके लिए डालने वाली हूँ अभी नेक्स्ट वीक में। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सुपर हैवी एलिमेंट जो बेसिकली आपके मतलब 100 के बाग आते हैं, जैसे अनिल अनियम अनिल बायम, तो बहुत इजी से क्वेश्चन आते हैं ये पूछा जाता है, जैसे 103 का नाम लिखिए ये सब कुछ, तो ये मैं इसकी एक वीडियो लेकर आऊंगी, आप वो करिएगा आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की वीडियो लेके आने वाली हूँ वो करिएगा तैयारी हो जाएगी। काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे मैं करवा चुकी हूँ, थर्मोडायनेमिक्स एंड सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये इन दोनों दो यूनिट्स को इन्होंने मेजर कर दिया और मैंने देखा है कि स्पेक्ट्रो का सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, तो अभी बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि स्पेक्ट्रो करवाइए मैडम, तो मैं अभी स्पेक्ट्रो को इतना डीपली में नहीं करवाऊंगी
क्योंकि सिर्फ स्पेक्ट्रो का एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए मैं स्पेक्ट्रो बहुत डीपली में कम से कम उसे करवाने के लिए 5 दिन चाहिए, आईआर यूवी एंड एनएमआर तीनों को करवाने के लिए, तो इतना अभी डीपली नहीं जाऊंगी। हाँ, आपके लिए इतनी तैयारी जरूर करवा दूंगी कि आपका वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सब ये आपका रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का एंड ट्वेल्थ का। अगर आप इस सब सिलेबस को ढंग से देखें तो बेसिकली आपकी ट्वेल्थ की 10 यूनिट है, बीएससी की 10 यूनिट है एंड एमएससी की 10 यूनिट है, और ये इंटरकनेक्टेड है यूनिट्स। लाइक केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आपको 12th, 10th एंड बीएससी एमएससी, मतलब आपको अब 15 दिन आप डेली एक यूनिट करें तो आपकी आप देखेंगे कि आपकी ये 30 की 30 यूनिट पूरी हो जाएंगी। प्लस आप मेरे चैनल पे, आपको कोई डाउट है तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने अमूमन आधे सिलेबस करवा चुकी हूँ, बाकी की वीडियोज मैं जल्द ही डाल दूंगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। अब इसके अलावा अब मैं आपसे बात करती हूँ कि आपको क्यों पेपर 1 की तैयारी नहीं करनी चाहिए और पेपर 2 पे अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। देखिए, लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी जनरल की वो रही है 261.94, ठीक है, और मोटा मोटी अगर देखिए तो इस साल भी इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। नो डाउट, ऑब्वियसली पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कट ऑफ का, लेकिन फिर भी 300 से ऊपर तो जाएगी। टोटल आपका 150+300 450 मार्क्स का पेपर होगा, पेपर वन और पेपर टू को मिला के। तो 450 मार्क्स में 150 मैंने बताए पेपर 1 के एंड 300 मार्क्स है पेपर 2 के। तो देखिए, पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है वही आपके सिलेक्शन को पक्का कर सकता है, और उसमें से 120 जो आपके सब्जेक्ट के नंबर है वो है 240। तो अगर यदि आपने अपने सब्जेक्ट को पक्का कर लिया, अभी आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया, अच्छे से उसको ध्यान दे के देख लिया, और क्योंकि यही आपका प्लस पॉइंट है आपका सब्जेक्ट, तो वहीं पे ही आप अपने 240 नहीं तो 200 मार्क्स तो स्कोर कर लेंगे। एंड पैडागोजी के जो फिर आपके 60 मार्क्स है उसमें से आप आराम से, अगर यदि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए करेंगे तो उसमें से आपके आराम से आ जाएंगे 20 से 30 नंबर, ठीक है। तो वहीं आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप 150 मार्क्स में से अगर यदि 30 नंबर भी ले आते हैं तो 30-30-60, और आपका इस तरीके से सिलेक्शन 130 या 140 नंबर भी ले आते हैं तो आपका इस तरीके से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि अब आपको अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए बहुत अच्छे से, उसकी एक यूनिट भी मत छोड़िएगा, हर टॉपिक करके जाइएगा केमिस्ट्री का। प्लस इसके अलावा आप करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश एंड उनके 5-5 क्वेश्चन आने हैं, वो ज़्यादा टफ नहीं आते, वो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स पढ़िए ताकि आपके करंट अफेयर्स पे 10 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाए और वहीं आपके यहाँ पे 30-40 नंबर बन जाए पेपर 1 में। एंड पैडागोजी में से भी आप आराम से क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो आप आराम से 15-20 क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको पेपर ध्यान देते वक्त करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप श्योर हो, क्योंकि आरपीएससी में जो मात दे जाती है वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है वही आपके सिलेक्शन को मात दे जाती है। तो अपनी तैयारी को पक्का रखिए, और आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो, आप बिल्कुल श्योर हो के अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके, इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। इसके लिए मैंने अपनी ऑनलाइन चैनल पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रखी है, तो उसे जरूर करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो मैं प्रैक्टिस सेट में डालती हूँ, लेकिन वो प्रैक्टिस होने के लिए करने के लिए वहां पे हम घबराते नहीं है पेपर देते वक्त, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये था आज का सारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बारे में कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। और अब टाइम बहुत कम रह गया है तो अपनी कमर कस लीजिए। मिलती हूँ अब मैं केमिस्ट्री के अपने चैप्टर्स की वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।